मोतिहारी के ढाका नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी पर वार्ड पार्षद पति ने अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया है। वहीं इस मामले को लेकर पार्षद पति ने कार्यपालक पदाधिकारी नसीमुद्दीन खान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए आवेदन भी दिया है। आपको बता दें कि ढाका के वार्ड नंबर 10 के पार्षद पति दिलीप गुप्ता अपने वार्ड के टूटे सड़क पर ईंट टुकड़ा बिछाने के संबंध में बात करने के लिए कार्यपालक पदाधिकारी के पास गए थे, ताकि बरसात के दिनों में लोगों को परेशानी ना हो। लेकिन इस बात पर कार्यपालक पदाधिकारी भड़क गए, इसी को लेकर कहा सुनी होने लगी। वहीं पार्षद पति दिलीप गुप्ता ने कार्यपालक पदाधिकारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन भी दिया है। हम अपने वार्ड में घूमने के क्रम में आ रहे थे, 8 बजे के तकरीबन नसीमुद्दीन खान कार्यपालक पदाधिकारी भेटा। मैं उनको राजस्व टुकड़ा के जाने के लिए बात कहा, जिसमें वो भड़क करके हमको गाली गलौज दिए। फिर उसके बाद हम मामला को अथी करके छोड़िए, जाने दिए। फिर हम अपने आ रहे थे तो साधन हमें अपने मोबाइल से कॉल किए, मोबाइल पर भी गाली गलौज दिए और कहे कि हमको फोन पर जानता नहीं, हम सीवान जिला के रहने वाले। उसके बाद हम थाना में अप्लीकेशन दिए हैं, डीएम साहब को अथी किए हैं, एसडीओ साहब को दिए हैं। अगर कानूनी कार्रवाई नहीं होती है तो मंगल के दिन हम लोग अनशन पर बैठेंगे।